नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ टेक्चर गन यूज़ कैसे किया जाता है। दोस्तों इसको अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। दोस्तों मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था तो बहुत ही अच्छा दोस्तों क्वालिटी है। बाल पट्टी में कोई सा भी कलर दोस्तों कलर डाल के पतला सा करके छींटे डाल सकते हो दीवार पर, बहुत ही शानदार है दोस्तों। तो आज इसको अनबॉक्सिंग करते हैं कैसा है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाजू में बेल आइकन को दबा दें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए दोस्तों, और लाइक करके हमारा नोटिफिकेशन बढ़ाएं, और थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को शेयर भी करें। मेरा नाम मिंटू है, आप चैनल देख रहे हैं पेंट के दिन। दोस्तों आज रहेगा वीडियो स्प्रे गन के पास। दोस्तों स्प्रे गन मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, परचेस किया था दोस्तों, ये 1400-1500 के बीच बीच में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा दोस्तों, जो दीवारों में आजकल टेक्चर चल रहा है, बहुत ही अच्छा टेक्चर चल रहा है दोस्तों, कहीं पर भी जाके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसको आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, कैसा है रिव्यू दोस्तों वही चीज़ मैं बताऊँगा। दोस्तों आपको ख़रीदना चाहिए, सभी पेंटर को भाई टूल होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्चर टूचर का काम चल रहा है दोस्तों, आपको पास भी करना चाहिए दोस्तों। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं इसको। देखिए दोस्तों सील लगा हुआ है, बंद है अभी डब्बा, खोल रहे हैं इसको। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा कंपनी का है दोस्तों बुलेट स्प्रे गन है दोस्तों, ये टेक्सचर वाला, जो टेक्सचर को जो बाल पट्टी के टेक्सचर कर सकते हैं, बाल पट्टी से भी बाल पट्टी घोल के बाल्टी में जैसे घोल के इसमें बताऊंगा दोस्तों। अभी इनसे करने हैं अनबॉक्सिंग। देखिए दोस्तों ऐसे निकलेगा, क्या क्या चीज़ निकलता है दोस्तों इसमें। तो ये देखिए दोस्तों हमारा डब्बा पूरे अच्छी की तरह पैकिंग किया हुआ है इसका। देखिए दोस्तों से हमारा टेक्चर गन, जो इसका प्लास्टिक का होता है दोस्तों बड़े वाला है, इसमें बाल पट्टी घोर के भी टेक्चर कर सकते हो, तो रस्टिक वगैरह कोई ब्रिक दाना दुना सब बहुत ही अच्छा टेक्चर दोस्तों कर सकते हो, तो मंगा सकते हो दोस्तों। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा दोस्तों। अगर टेक्चर का कोई वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में दे दूंगा, अगर इसको मंगाना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारा एक डब्बा निकला है, जो इसमें मटेरियल डलेगा। ये देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है दोस्तों, प्लास्टिक है लेकिन बहुत ही अच्छा कंपनी ने दिया है। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वालिटी है इसका, यहाँ पर पकड़ने वाला भी है दोस्तों, ये हैंडल है, पकड़ने वाला भी है, कहीं पर भी दोस्तों पकड़ के माल मटेरियल डाल के टेक्सचर कर सकते हो। तो इसके साथ दोस्तों क्या मिलता है, इसके साथ मिलेगा हमारा ये दोस्तों कंप्रेसर के साथ लगाने वाला है नोजल, तो बताऊंगा दोस्तों इसको भी। और क्या मिला दोस्तों, ये रहा हमारा टेक्चर गन दोस्तों, और इसके साथ कुछ नहीं मिला दोस्तों। इसके साथ एक कार्ड मिला है जो कंपनी से आया है, ये कार्ड है दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों टेक्चर गन हमारा, यहाँ पर एक लॉक होता है पत्ती का लॉक, लगातार चलाना चाहते हो लगातार भी चल जाएगा, अगर कहीं कहीं कम बेसी करना है ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोस्तों कंप्रेसर को हवा कम बेसी करने वाला है, यहाँ से यहाँ पर आपका पाइप डलेगा कंप्रेसर के साथ। ये दोस्तों इसका खोलने से इसका नोजल मैं बता देता हूँ आपको, बहुत ही दोस्तों स्टील का है, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ये ब्रिक छिट्टे जो पड़ते दीवार में यही चीज़ होता है। इसके साथ मेरे पास तीन मिला है, इसका कोई काम नहीं, प्रेशर के साथ ही काम आएगा दोस्तों। ये वाला भी कसने के लिए इसको, ये देखिए दोस्तों तीन नोजल है मेरे पास, ब्रिक छिट्टे डालने ब्रिक डाल सकते हो, और थोड़ा सा और मोटर डाल सकते हो, और सबसे ज़्यादा ये मोटर दोस्तों, तीनों टेक्चर कर सकते हो दोस्तों। देखिए दोस्तों तीनों में बहुत अंतर है। इसको करना क्या है, ऐसे इसको इसमें लगाना है नीचे, अगर तो कोई सा भी जो मोटे वाला करना चाहते हो इसको ऐसे कसना है चूड़ी, अच्छे तरीके से कसना है दोस्तों। ये वाला यहाँ पर जाएगा, इसको कस देना है,
ऐसे करके, ये देखिए दोस्तों इसको कसेंगे ऐसे करके, यहाँ पर पेचकस से लेके कस लेना दोस्तों, यहाँ पर पेचकस से स्क्रू से। देखिए दोस्तों हमारा गन तैयार हो गया चलाने के लिए। अब इसको दावना है, बाल पट्टी थोड़ा सा पतला रखना है दोस्तों इसमें डालने के लिए, और दोनों हाथ से पकड़ना है दोस्तों, नहीं तो एक बगल झुक जाएगा, भारी होता है थोड़ा सा बाल पट्टी अगर डल जाएगा तो। कहीं पर भी देख तो टेक्चर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बहुत ही अच्छा आजकल चल रहा है दोस्तों टेक्चर। तो मैंने अनबॉक्सिंग मंगाया था दोस्तों फ्लिपकार्ट से, बहुत ही अच्छा दोस्तों कंपनी का है, कहीं पर भी बना सकते हो दोस्तों। ये देख रहे हो हवा कम बेसी करने के लिए है, अगर ज़्यादा प्रेशर बढ़ाना चाहते हो एसी लिए है तो दोस्तों मंगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसको सफाई भी ज़रूर करना दोस्तों, अगर काम हो जाए तो इसको सफाई ज़रूर करना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये हवा है, ये इसके साथ कसने वाला पाइप उप वगैरह होगा, तो यही चीज़ मिला है दोस्तों। देखिए दोस्तों और तो कुछ मिला नहीं है दोस्तों इसके साथ, ये वाला कंप्रेसर के साथ ही लगेगा दोस्तों ये वाला। दोस्तों ये सिर्फ लेने से नहीं होगा, अब आपको कंप्रेसर भी लेना पड़ेगा दोस्तों। कंप्रेसर जो होता है जो पेंट कूंट करते हैं, कंप्रेसर जो हवा बनाता है, उसी के साथ ही ये मशीन चलेगा दोस्तों। अगर आप मंगा लोगे, किसी भाइयों के पास नहीं होता है दोस्तों, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि महंगा होता है, 12-13 हज़ार के बीच बीच में दोस्तों कंप्रेसर आता है। तो कोशिश करें, मेहनत करें और आगे बढ़ें, मेहनत करके ख़रीदें दोस्तों, बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो मैं तो यही सलाह दूंगा दोस्तों सभी पेंटर को, आगे बढ़ें पीछे मत बढ़ें दोस्तों, सभी को आना चाहिए। कोई भी चीज़ ना हो पेंटर का नहीं आना चाहिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वालिटी, कोई सा भी डिज़ाइन कर सकते हो। अगर और भी वीडियो देखना चाहते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा दोस्तों, और हमारे चैनल पर देख सकते हो, पूरी जेन्युइन तरीके से मैं बताता हूँ दोस्तों, कहीं पर भी दोस्तों कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।